Oh. Bonk. तो भाई अभी इंडिया में क्या झोल चल रहा है? झोलो चिप। ये जानते हुए कि खाने के बाद मुंह का गुब्बारा हो गया, खाने का मन दोबारा नहीं होगा, मतलब तीखी ही लगेगी, फिर भी बार बार ऐसी चीजों को, ऐसी हरकतों को करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या समझूं मैं? उड़ती हुई तीर अपनी। ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है, कंट्रोल बचा के। तो बचपन से हम तीखा से 3 किलोमीटर दूर ही रहा करते थे। अगर मुझे कोई 2 मिर्ची खाने का 200 रुपया भी दे तो भैया कहते थे ना बाबा ना, अपना 200 रुपया अपने पास ही रखो। हाँ चल चल, मुझे सब याद है। वो 2 रुपए के लालच में तूने 3 मिर्ची खाया था और सुबह सुबह 4 दिन तक चिल्लाया था, मुझे सब याद है। ऐसी हरकत आप लोगों ने भी की है क्या? ऐसा हुआ है क्या? तो भाई एक आम चिप मात्र 10 रुपए की आती है, लेकिन ये जो जोलो चिप है वो उसे जो चाहे वो नहीं ले सकता। पहला ये कि ये ऑनलाइन मिलता है, और दूसरा ये कि ये 200 रुपए में एक चिप मिलता है। भाई तो भाई इसी यूट्यूब पर एक फूड ब्लॉगर, फूड टेस्टिंग, फूड चैलेंज टाइप की एक टाइप की कैटेगोरी होती है चैनल की, जहाँ पे कुछ ऐसे कांड होते हैं। और इस जोलो चिप की टेस्टिंग की शुरुआत यहीं से होती है, लोग लेकर टेस्ट करके कुछ ऐसे हरकतें करते हैं। आग में से पानी शुरू। तो ये जोलो चिप और बात अब भी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जोलो चिप अब पहुंचती है एक्सपेरिमेंट चैनल वालों के पास। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग गधे को खिलाकर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करने वाले हैं? मतलब कुछ तो अलग करेंगे एक्सपेरिमेंट के नाम पर, लेकिन लेकिन क्या? देख ही लो आप। अबे क्या गया? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो देखा आप लोगों ने? हाँ चल चल, दूसरे का वीडियो देखकर खूब ज्ञान झार रहा है, हिम्मत होता था तो खुद लेकर खरीद कर खा के दिखाता। नहीं, वीडियो बनाने से पहले आइडिया तो मुझे भी यही आया था कि मैं जोलो चिप खरीदूं, फिर आप लोगों को दिखाते हुए वीडियो बनाऊं, फिर अगर दिखा के छोड़ दिए तो आप लोग कमेंट करोगे कि भाई खाया क्यों नहीं, तो फिर खाऊं। और रिएक्शन तो मैं खा के रसगुल्ला खा लिया ऐसा तो देने वाला नहीं था, वही रिएक्शन आऊं और फिर पानी पीने वाला। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि एक तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ऑपरेशन ब्लेड खरीद लूं और वो बर्बाद ना हो जाए इसलिए मैं अपना नस काट लूं, ऐसी हरकत करने वाला मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ तेरे बात में तो लॉजिक है, लेकिन वैसे मेरे घर पे एक दर्द का दवा बर्बाद हो रहा है, ऐसा क्या करूँ कि वो बर्बाद ना हो, काम में आ जाए? तू एक काम कर, मार्केट जा और किसी को पकड़ के गाली दे दे, फिर वो तुम्हारे साथ जो कांड करेगा उसमें ये दर्द का दवा काम आ जाएगा, फिर बर्बाद नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। तो कुल मिला के रिएक्शन दारू पीने के बाद जो होता है वैसा तो होने वाला नहीं, होगा तो यूं ही रिएक्शन। फिर भी ये जानते हुए एक चैनल वाले 3-4 वीडियो बना रहे हैं इसी पे और खा खा के दिखा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये। तो ये इंडिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छी वीडियो, क्रिएटिव वीडियो बनाते हैं, और आजकल इनकी वीडियो लगातार जोलो चिप पे आ रही है। ये है क्रेजी XYZ और इनकी भी वीडियो लगातार जोलो चिप पे चल रही है। तो ये क्या लोग, ये लोग बेवकूफ़ है? नहीं भैया नहीं, वीडियो पे व्यू आ रही है इसलिए बना रहे हैं और लोग देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। मतलब कुल मिला के इन सबसे ये साबित होता है कि लोगों को दूसरे का फटा हुआ देखने में बहुत मजा आता है। लेकिन भाई ये वाला मुझसे उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। अभी ये क्या हुआ, सच में मार्केट में जाकर कांड कर दिया जो मैंने बताया था? गया तो मार्केट ही था मैं, लेकिन एक यूट्यूबर मिल गया, अब वो बोला कि ये चिप खा लो 500 रुपए दूंगा। तो पैसे दिए? नहीं, उसे मैंने गाली दे के भगा दिया। तो
भाई कुल मिला के जोलो चिप के झोल झाल से बच के रहे, और अगर फिर भी अगर कान नाक मुंह और जो छूट गया और जो आप लोग समझ रहे हैं वहां से भी धुआं निकालना है तो यकीन मानिए आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं। वैसे इस चीज का एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई रिश्तेदार आपके घर बार बार आता हो तो आप एक बार जी जात के 200 रुपया खर्चा करें और एक झोलो चिप इनको खिला दे, फिर वो अगले साल तक नहीं आएंगे। बाकी अपने वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ जितने भी क्लिप्स यूज किए मैंने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किए, और मेरा पर्पस बिल्कुल भी किसी को मतलब गलत बोलना नहीं था, मैं बस लोगों की अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ। कल तो बोल रहा था कि झोलो चिप पर वीडियो बहुत चल रहा है बनाता हूँ एक। हाँ ये सबसे बड़का सच्चाई यही है जो मान लीजिए बस हम अपना दो लाइन सुना के जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि दूसरे के गलतियों से सीखो, जो चपेट में आ गए ये उनकी मजबूरी है, और शराब पीने से लीवर खराब होता है ये जानने के लिए क्या शराबी बनना जरूरी है। भैया बस यही था आज का वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपडेट वगैरह देते रहते। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।